हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव। जैसा कि पिछला लेक्चर आप लोगों ने सबने पढ़ ही लिया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हमने रूट्स के बारे में स्टडी किया था, और मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पर। बट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले बेटर होगा कि आप लोग ये जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स लाया हूँ आपके लिए, इसको लिख लें अपना या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं, जिससे कि हमें किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो मैं वन बाय वन आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहला कैरेट का दे रखा है, दैट इज़ डॉसस कैरोटा। उसके बाद ब्रैसिका रेपा, फील्ड मस्टर्ड, हाइपोमोइया बटाटास, उसके बाद स्वीट पोटैटो, जिया मेस कॉर्न का नाम होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम शुगर केन, पेंडेनस ऑडोरेटिस सिमस केवड़ा, फाइकस बंगालेंसिस बैनियन ट्री, राइजोफोरा मैंगल राइजोफोरा प्लांट होता है, हेडेरा हेलिक्स कॉमन ईवी प्लांट ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाता है, पाइजम सेटाइवम पी प्लांट, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद रेफेनस सेटाइवस कॉमन रेडिश, उसके बाद मेराबिलिस जलापा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले आप उसको समझ लीजिए क्या पूछा गया है। किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आपके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक बार दो बार तीन बार कम से कम रीड करें। जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्लियर नहीं होने वाली है, क्योंकि आजकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड आने लगी है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन होता है पूछा घुमा के जाता है। 95% सिलेबस NCERT से ही कवर होता है नीट के एग्जामिनेशन में, बाहर से क्वेश्चन बहुत रेयर ही हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन मिसमैच्ड पेयर। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमसे पूछा है मिसमैच्ड पेयर, और जब मिसमैच्ड पेयर की बात हो रही है, इसका मतलब हमें सबके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम मिसमैच्ड पेयर को डायरेक्ट ऑप्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या। सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, दैट इज प्राइमरी रूट्स। तो हमें सबको पता ही है, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जब इलोंगेशन डायरेक्ट होता है रेडिकल से, तो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है रूट सिस्टम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेम्स बेस, दैट इज फाइब्रस रूट्स। तो ये भी मैंने आपको कल बताया था, फाइब्रस रूट्स प्राइमरी रूट से बेस से अराइज होती है, स्टेम के बेस से और फाइबर्स में बन जाती है। तो ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा रूट्स नॉट अराइजिंग फ्रॉम रेडिकल, नोन एज स्टिल्ट रूट्स। मतलब जो रूट्स रेडिकल से नहीं अराइज हो रही है, उन्हें हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। स्टिल्ट रूट मैंने आपको कल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में बताया था, जो कि मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं प्लांट को। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है मिसमैच्ड पेयर, और मिसमैच्ड पेयर में इसने ऑप्शन दिया है कि रूट्स नॉट अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल। अब रेडिकल से जो रूट्स नहीं अराइज होती हैं, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती है, ना कि स्टिल्ट रूट्स कहलाती है। तो आपका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन का आंसर इसका हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस टैप रूट सिस्टम। ये भी आपको कल बताया था कि जब प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस बनती हैं, तो कौन सा रूट का सिस्टम बनता है? टैप रूट का सिस्टम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, आपको क्वेश्चन खुद ही आंसर देने लगता है। बट आपका NCERT पढ़ा होना चाहिए। जितना आप NCERT पे फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि NCERT के अलावा और ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है नीट को क्रैक करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच प्लांट अमंग्स फॉलोइंग बियर्स फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे ही हमारी आंखों के सामने आता है, तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने कल पढ़ा था कि ज्यादातर मोनोकॉट के केसेस में हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो पहला ऑप्शन, जैसे ही मस्टर्ड प्लांट आता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मस्टर्ड इज अ डाइकॉट प्लांट, ये डाइकॉट प्लांट है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उसके बाद वीट प्लांट, जैसे ही हमने वीट प्लांट देखा, तो हमने एकदम से ही टिक लगा दिया बी ऑप्शन पर, वीट प्लांट, क्योंकि वीट प्लांट इज अ मोनोकॉट प्लांट, और मोनोकॉट प्लांट में ही क्या दिया जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। कल मैंने आपको एग्जांपल में भी वीट प्लांट बताया था, मॉन्स्टेरा इज ऑल्सो डाइकॉट एंड बैनियन ट्री इज ऑल्सो डाइकॉट। तो ये तीन डाइकॉट थे हमारे, और यहां पर वीट प्लांट ही मोनोकॉट था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वीट प्लांट। गॉट इट? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं नीट में, डायग्राम दिया रहता है, इसलिए NCERT में जितने भी डायग्राम आपको दे रखे हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उन पर जितना ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं उतना ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि NCERT के जो डायग्राम है वो डायरेक्ट उठ के आते हैं नीट के एग्जामिनेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या पूछा है। रिफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि जो हमें फिगर दे रखी है उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। तो हमें ये जो दे रखा है ये हमें साफ साफ दिख रहा है, इट इज अ टैप रूट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है और टर्शियरी रूट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज अ टैप रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम। और जब टैप रूट सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो कुछ पॉइंट्स जो हमें गिवन है उनको देखने वाले हैं कि टैप रूट सिस्टम में हमें क्या क्या दे रखा है। तो पहला पॉइंट क्या है, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कोई भी टैप रूट सिस्टम होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से ही अराइज होगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे पूछा है इनकरेक्ट। दूसरा आता है लेटरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट आर एक्सोजीनस ओरिजिन, कि मतलब ये कह रहा है कि जो हमारी प्राइमरी रूट्स हैं उससे जो सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं वो ओरिजिन में एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस और एंडोजीनस, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। एक्सोजीनस का मतलब जब कोई चीज़ बाहर से अराइज हो रही हो, आउटसाइड लेयर से, और एंडोजीनस मतलब इंटरनल लेयर से अराइज हो रही हो। तो ये जो लेटरल रूट्स हैं ये हमारी इंटरनली अराइज होती हैं, इंटरनल लेयर से अराइज होती हैं। तो ये ही ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एक्सोजीनस ना होकर अगर ये वर्ड एंडोजीनस होता तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होता और यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि लेटरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन, ना कि एक्सोजीनस। फिर भी सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, रूटलेट्स आर अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर रूट हेयर्स फॉर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, मतलब ओल्डर एट द बेस एंड न्यूअर एट द टिप। तो ये हमारा कौन सा सक्सेशन होता है? एक्रोपेटल सक्सेशन। आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहाँ तक की है आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी आगे मैचिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और रिजल्ट और रीजन वाले भी, दो क्वेश्चन हमारे पास रूट पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए बार बार क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इनकरेक्ट पर पूछा जा रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनकरेक्ट जब भी पूछता है तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको करेक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पता हों। और करेक्ट वाली चीज़ें आपको कब पता होंगी? जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, रूट्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, बिल्कुल ठीक बात है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है बट ये सही है। रूट्स प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकोरेज, ये भी मैंने आपको कल एनसीईआरटी का वर्ड बताया था, एंकोरेज का मतलब फिक्सेशन होता है। उसके बाद रूट स्टोर फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये बात भी मैंने आपको कल दोनों बताई थी। और लास्ट ऑप्शन आता है, जब ये तीनों सही होंगे तो लास्ट तो हमारा आंसर है ही, बट फिर भी हम देख लेते हैं, रूट्स लैक मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूट्स में मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कल मेरिस्टमैटिक रीजन पाया जाता है जिसमें हमें मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। तो ये चार क्वेश्चंस आपके हो गए हैं जो कि रूट्स पर बेस्ड थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो रूट पर ही बेस्ड है। हमारे पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द रूट, सबसे छोटा रीजन हमसे रूट का पूछा है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा रीजन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा रीजन रूट कैप नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छा बड़ा होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन भी आपने देखा था डायग्राम में, अच्छा बड़ा रीजन है। रूट कैप आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा रीजन है। और रीजन ऑफ मैचुरेशन भी आपको सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, जो कि बहुत ही छोटा रीजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो पांचवे का आंसर आपका क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्वेश्चन आपके पास स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेस फिर से आ जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि डायग्राम बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो ये हमें किसका डायग्राम दे रखा है, पहले तो यही क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने कल आपको पढ़ाया था इस डायग्राम के बारे में। तो ये हमारा डायग्राम कौन सा है? रीजन्स ऑफ रूट, जिसमें रूट के डिफरेंट रीजन्स हमको बता रखे हैं। तो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ अ टिपिकल रूट। इस बार हमसे करेक्ट ऑप्शन वाला पूछा है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब तीन ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ट बी जो हमें दे रखा है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, और हमें पता है रीजन ऑफ इलोंगेशन में कोई वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन रीजन ऑफ मैचुरेशन में होता है। तो इसका मतलब ये तो गलत है।
जो हमने क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से ही तो गलत हो गया। उसके बाद हमसे पूछा है क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी। अभी क्यूसेंट सेंटर क्या है ये आपको बता देता हूँ। क्यूसेंट स्टेज आपने सेल साइकिल के डिवीजन में पढ़ा होगा कि एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें सेल रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाता है डिवाइड ना करके, मतलब सेल्स मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी छोड़ देते हैं और बहुत स्लोली डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी इलोंगेशन में तो भूल कर भी नहीं पाई जाएगी, क्यूसेंट सेंटर हमारा पाया जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी में। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन जैसे ही आता है हमारा, पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट। ये कह रहा है कि जो हमारा पार्ट ए है अगर हम रूट की एनाटॉमिकल स्टडी करना चाहें तो ये बेस्ट पार्ट है। तो बिल्कुल सही है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो उसमें जब भी आप रूट का सेक्शन लेंगे तो हम रीजन ऑफ मैच्यूरेशन से ही लेते हैं, क्योंकि इसमें ही जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स सारी चीज़ें हमें इसी में विजिबल होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है और हमसे सही वाला ही ऑप्शन पूछा गया था। तो सिक्स का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज टैप रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड, कि इनमें से किसकी टैप रूट स्वेलन हो जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा है टैप रूट, तो टैप रूट पर ही फोकस करेंगे क्योंकि हो सकता है हमारे पास ऑप्शन में हमें एडवेंटिशियस रूट्स भी दे रखी हों। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या, डॉसस कैरोटा, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था डॉसस कैरोटा। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार, कैरेट, डॉसस कैरोटा क्या है हमारा, कैरेट, तो टैप रूट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया हमारा, बट अभी हमारे पास और भी ऑप्शन है, उनको भी पढ़ते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन है ब्रैसिका रेपा। तो ब्रैसिका रेपा अभी हमने बताया था आपको, ये दूसरे ही नंबर पर है, देखिए दैट इज फील्ड मस्टर्ड। तो फील्ड मस्टर्ड भी हमारा टैप रूट है और फूड भी स्टोर करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हमें जो आंसर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बोथ ए एंड बी। बट हम जैसे ही आइपोमोइया बटाटास पे जाते हैं तो आइपोमोइया बटाटास भी मैंने आपको अभी बताया ही था, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर आइपोमोइया बटाटास, और आइपोमोइया बटाटास क्या था हमारा, स्वीट पोटैटो थी, तो हमारी एडवेंटेजियस रूट होती है। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं अब एनसीईआरटी के बेस्ड नीट में। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन पर आते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट पजस स्टिल्ट रूट्स। हमसे क्या पूछा है कि कौन से ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं। तो स्टिल्ट रूट्स कल आपको पढ़ाया था कि ज्यादातर मोनोकॉर्ड्स के केस में पाई जाती हैं, किसमें, मोनोकॉर्ड्स में। तो हमें इसमें से मोनोकॉर्ड्स ढूंढने, आप देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमें साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके, इसी वजह से मैंने आपको शुरू में की दी थी जिससे कि आप सारे साइंटिफिक नेम्स को आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें दे रखा है जियामेस, की देखेंगे आप जियामेस, मैंने आपको बताया था जियामेस क्या होता है, कॉर्न होता है, तो बिल्कुल सही है, मोनोकॉट होता है हमारा। दूसरा दे रखा है सेकेरम ऑफिसिनेरम, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम मैंने आपको बताया था शुगर केन होता है, तो ये भी मोनोकॉट होता है। तो ए ही मुझे इसका ऑप्शन लग रहा है आंसर में, और ए ही इसका आंसर है, बट फिर भी हम बाद वाले भी देख लेंगे। जैसे कि हमारे सामने आता है पेंडेनस ऑडोरेटिसिमस और फाइकस, तो जैसे ही फाइकस आ गया तो फाइकस क्या था आपका, बैनियन ट्री, तो ये तो डाइकॉट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी राइजोफोरा हेडेरा हेलिक्स आ गया, इनमें भी एक डाइकॉट होता है राइजोफोरा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर फिर से फाइकस आ गया, ये डाइकॉट आ गया, पाइजम सेटाइवम आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा एट्थ का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए, दैट इज जियामेस सेकेरम ऑफिसिनेरम। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर, मतलब कौन सा पेयर गलत है ये पूछा है हमसे। तो प्रॉप रूट्स क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, बिल्कुल सही है। स्टिल्ट रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम्स नोडल पार्ट, कल शुगर केन का डायग्राम बना के मैंने आपको ये समझाया था, तो बिल्कुल ये भी सही है हमारा। न्यूमेटोफोर्स हेल्प इन स्टोरिंग फूड, स्टोरिंग फूड नहीं, न्यूमेटोफोर्स कल आपको बताई गई थी रेस्पायरेटरी रूट्स होती है, रेस्पायरेशन में मदद करती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज यही हमारा पेयर मिसमैच्ड है। तो ये 9 क्वेश्चंस हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा एजर्शन और रीजन का। ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए, जैसे कि एम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन ज़्यादातर हमें पता ही है नीट में आने, और नीट में ही हमारा एम्स भी इंक्लूड हो गया है, तो हो सकता है एजर्शन रीजन टाइप भी हमें क्वेश्चन मिले। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो एजर्शन कोई भी हमें चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो हमें उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के उस एजर्शन से रिलेटेड उससे रीजन पढ़ना होता है, और रीजन अगर हमें सही लगता है तो उसके बेस्ड हमारे कुछ ऑप्शन है। अगर आपका ए ऑप्शन होगा इसका मतलब ये है कि बोथ ए एंड आर ट्रू,
एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ए और आर एजर्शन और रीजन दोनों सही है और आर भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी ऑप्शन अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए भी सही है आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जब हम, तो क्या कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है, तो ये भी हमारा सी ऑप्शन हो जाता है। और डी क्या कहता है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, की दोनों ही गलत है, तो हमारे डी ऑप्शन हो जाता है। तो इसका मतलब जब आपको पहला वाला गलत दिख जाए तो हमेशा हर केस में आप क्या देखेंगे कि डी ही ऑप्शन होगा। अगर आपको पहला वाला एजर्शन ही गलत दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि डी ही ऑप्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। एजर्शन दे रखा है रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इट आउटर सेल्स आर कॉन्टिन्यूअसली रिप्लेस बाय द न्यू वंस। बिल्कुल सही बात है, क्या कि जो रूट कैप होती है वो फ्रिक्शन से बचाती है सॉइल के किसको, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं, और वहां पर सेल्स पुराने गिरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, एजर्शन हमें सही मिल गया। बट अब हम रीजन की तरफ जैसे ही जाते हैं तो रीजन क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शन डैमेजेस द आउटर सेल्स ऑफ द रूट कैप विच आर पील्ड ऑफ एंड रिप्लेस बाय द न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय रूट मेरिस्टेम। तो ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बात कर रहे हैं रूट सेल्स की, मतलब रूट कैप के सेल्स की, तो वो फ्रिक्शन के द्वारा डैमेज होने से नहीं गिरते हैं, वो खुद ही स्लोड ऑफ हो जाते हैं और खुद ही रिप्लेस होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एजर्शन सही है रीजन गलत है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, 81 क्वेश्चन, एजर्शन दे रखा है फाइबरस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइबरस रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। बिल्कुल सही बात है, एजर्शन हमें फिर से सही मिल गया। क्या कह रहा है कि फाइबरस रूट सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है अपने अंदर, लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइबरस रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकॉट्स ओनली। तो ये जैसे ही हमें डाइकॉट दिख गया तो यहां पर गड़बड़ दिखी हमें, क्योंकि डाइकॉट में नहीं, किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। तो रीजन बिल्कुल गलत हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप के आपके क्वेश्चंस आ गए थे जो कि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये तीसरे टाइप का आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है, दैट इज मैचिंग टाइप। बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है मैचिंग टाइप, और इतना ज्यादा कि मतलब ये लगा लीजिए कि 10-20% क्वेश्चन मैचिंग टाइप से ही पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है, आपको सबसे पहले दे रखा है रूट कैप। तो रूट कैप से रिलेटेड आपको कोई भी टर्म अगर इस कॉलम में नजर आती है तो आपको उससे मैच कर देना है। तो मैंने जैसे ही देखा रूट कैप, मैंने देखा लेंथ वाइज ग्रोथ, रूट हेयर्स, मुझे नहीं दिखा फास्ट सेल डिवीजन, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिखा, कल मैंने स्पेशल मार्क किया था ये वर्ड आपके लिए कि एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो जब थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिया है तो बिल्कुल रूट कैप किससे मैच कर दिया, मैंने ए ऑप्शन फोर्थ से मैच कर दिया। तो मैं यहां पर लिख भी सकता हूं अपनी रफ शीट में कि ए ऑप्शन फोर्थ से मैच कर दिया मैंने। अब आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए ऑप्शन में फोर्थ दो में है, इसका मतलब दो आपके बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि आपने एक मैचिंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन पर, तो मेरिस्टेमेटिक जोन में आप क्या देखते हैं, फास्ट सेल डिवीजन, बहुत ज्यादा तेजी से सेल का डिवीजन होता है। तो इसका मतलब आपने बी ऑप्शन मार्क कर दिया है थ्री से, बी ऑप्शन आपने किससे मार्क कर दिया है, थ्री वाले से। तो आप बी ऑप्शन में आप थ्री देख रहे हैं, तो जैसे ही ये ऑप्शन आपको दिखा तो आपने बिल्कुल ये मैचिंग का ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट फिर भी हम अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, इलोंगेशन जोन, तो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, और मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स पाए जाते हैं, गॉट इट। उसके बाद लास्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का, इसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो इसमें आपको दे रखा है कुछ टाइप ऑफ फ्लैशी टैप रूट और उसके एग्जांपल्स। तो ये मैंने पढ़ाया नहीं था, वैसे पूछा जाता नहीं है ये क्वेश्चन क्योंकि ये मेरा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट फिर भी आप इसको मार्क करके रख लेंगे अपने पास, कोई कुछ पता नहीं, पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहला हमसे पूछा है कॉनिकल रूट, ये टाइप ऑफ फ्लैशी टैप रूट है। तो कॉनिकल रूट हमारी पाई जाती है किसमें, डॉसस कैरोटा में। किसमें पाई जाती है, डॉसस कैरोटा में, दैट इज कैरेट में। किसके अंदर पाई जा रही है, कैरेट में। इसका मतलब आपने पहला ऑप्शन ए मार्क कर दिया है टू से, ये आपने किससे मार्क कर दिया है टू से। तो ए टू से जब मार्क कर दिया तो आपका ये बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि ए थ्री है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन बचे हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा, जितना आप क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
उसके बाद आप देखते हैं फ्यूजी फॉर्म। तो फ्यूजी फॉर्म जो हमारी टाइप्स ऑफ रूट है वो पाई जाती है रेफेनस सेटाइवस में। किसमें पाई जाती है? रेफेनस सेटाइवस में। और ये रेफेनस सेटाइवस में आपको बता चुका हूँ आपके की डिश में रेडिश में पाई जाती है। तो क्या हो गया? रेडिश। तो आपका मैंने बी ऑप्शन मार्क कर दिया है किसके साथ? फ्यूजी फॉर्म का थर्ड के साथ। तो बी ऑप्शन में थर्ड दिखा आपको, और आपके बाद फिर भी आपके पास एक ऑप्शन डी ऐसा बच रहा है जिसमें बी में थर्ड दे रखा है, तो आपका भी कंफ्यूजन नहीं गया, इसका मतलब आपका एक और ऑप्शन गया, एलिमिनेट कर दिया आपने इसको। बट अभी आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ए या फिर डी। जैसे ही आप सी पर गए नेपी फॉर्म, तो आपको पता है नेपी फॉर्म किसमें पाई जाती है? ब्रेसिका रेपा में, जो कि हमारा फील्ड मस्टर्ड होता है। तो आपका क्या हुआ? सी को आपने मैच कर दिया है आपका फर्स्ट से। तो जैसे ही सी को फर्स्ट से मैच किया, तब आपको आपका आंसर मिल जाता है, दैट इज ए। क्योंकि डी जो हमारी ट्यूबरस रूट होती है वो किसमें पाई जाती है? फोर्थ, दैट इज मिराबिलिस जालपा में। गॉट इट? तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं जो आपको मैंने की दी है, उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। और ये आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर रूट्स पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम शूट्स को स्टडी करने वाले हैं। शूट्स से रिलेटेड जितना भी मॉडिफिकेशन होगा, शूट्स का स्ट्रक्चर, किस टाइप के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, शूट का रोल क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में काफ़ी कोशिश की गई है कि विजुअल्स आपके लिए क्लियर हों और ऑडियो आपके लिए क्लियर हो, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और इनके स्क्रीनशॉट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा। और सीधी सी बात है, जितना हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा, हम उतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। और जितनी आप अच्छे से शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।